एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें भी समझाएगा। नारद जी वहाँ से खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान यह क्या लीला है, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है। भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी थरथर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी राजा के पुत्र के पास गए और मन में ही श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियाँ कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। जय श्री कृष्ण।